हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे मोल टेक पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, ये शेयर आपका पिछले दिन क्लोज हुआ था लगभग 768.20 पे, हाई गया था 782 एंड लो गया था 750। फिनस्टर्न ने इस कंपनी को 3 out of 5 का रेटिंग दिया है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 2209.62 करोड़, इंटरप्राइज वैल्यू है आपका 2316.57 करोड़, और इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है 184.14 करोड़। तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.45। किसी भी कंपनी का अगर डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से कम ही है। और इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.32। किसी भी कंपनी का अगर कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। अर्निंग पर शेयर है आपका 21.79 रुपीज। सेल्स ग्रोथ हुआ है इस साल में इस शेयर में 9.48%। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 22%, जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओसीई आपका है 21.83%, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस शेयर में इस साल में हुआ है 25.88%। लेकिन एक नेगेटिव बात भी है जो मुझे जो लगता है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 33.73%, और मेरे हिसाब से किसी भी अच्छे कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग मिनिमम 40% और उससे ऊपर होना चाहिए। उसमें और एक चीज नेगेटिव है, ये जो आपका 33.73% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका 2.99% शेयर प्लज है। तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग का जो डेटा है वो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव डेटा है, लेकिन इसको अगर छोड़ दे तो पूरा ओवरऑल अगर देखते हैं तो फंडामेंटली एक अच्छा शेयर है। ये सिर्फ प्रोमोटर्स का होल्डिंग का जो डेटा है वो छोड़ के, तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका टेक्निकल पार्ट भी एक बार देख लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका बिना इंडिकेटर लगा हुआ टेक्निकल चार्ट एक बार देख लेंगे, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा शेयर अप ट्रेंड में है, कौन सा शेयर डाउन ट्रेंड में है। देखिए, एकदम शुरू से शुरू करते, ये शेयर आपका लगभग फरवरी के महीने में चल रहा था 337। ऐसे अगर देखेंगे तो तब से शेयर कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ भाग रहा है। एक हाई लगाया था, फिर यहाँ पे आपका लगभग हाई लगा कितना 767 के करीब, फिर यहाँ पे आपका लो लगा 653 के करीब, फिर यहाँ पे हाई लगा 700 वही रेंज में 767 के करीब, फिर यहाँ पे सेमी रेंज में लो लगा और फिर से अभी हाई के रेंज में है। ठीक है, और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडिकेटर लगा हुआ जो चार्ट है वो एक कर ओपन कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था 2 दिसंबर ठीक है, इसी महीने का 2 दिसंबर को। उसके बाद थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, लेकिन इस शेयर ने कभी भी सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल इसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया, एंड 50 डेज का जो मूविंग एवरेज इसको भी तोड़ नहीं पाया, और लास्ट 3 दिन से यहाँ पे हम लोगों को तेजी दिखाई पड़ रहा है। और आज के डेट में ये शेयर आपका 100 डेज, 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। RSI की बात करें तो RSI भी आपका 2-3 दिनों से 60 के ऊपर का लेवल में चला गया है। और अगर NACD की बात करें तो NACD भी नीचे था 0 पॉइंट से, लेकिन आपका लगभग 9 तारीख से NACD भी 0 पॉइंट से ऊपर चला गया है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करते हुआ दिख रहा है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी देख लेंगे, क्योंकि डेली चार्ट में हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने क्या किया, इसका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर ध्यान से देखिएगा, ये आपका 2020 अप्रैल का महीना, उस टाइम पे ये शेयर चल रहा था ओनली 157 रुपीज, और अभी चल रहा है 768 रुपीज, मतलब लगभग आपका 5-6 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है 2020 अप्रैल महीने से अभी तक। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट भी ओपन कर लेंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपका ये आपका सितंबर का महीना था, सितंबर के महीना में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ था, उसी वीक में सुपर टेन ने यहाँ पे आपका बाय सिग्नल भी दिया था। उसके बाद से ये शेयर में तेजी देखने को मिला, लेकिन कुछ दिन इस रेंज में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। लेकिन अच्छी बात क्या है, सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ नहीं पाया, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ये शेयर फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है।
लास्ट दो वीक से, और आज के डेट में ए शेयर आपका 100 डेज 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी आपके अबव 60 है, और एमएसडी की बात करें तो एमएसडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट में हम लोगों को क्लियरली अब पॉजिटिव साइन दिख रहा है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो अभी देखिए मैंने क्या किया, स्क्रीन पे इसका मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया। अगर ध्यान से देखिएगा इस जगह पे, ये था आपका 2020 जुलाई का महीना, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था एक पॉजिटिव कैंडल में, तब से ये शेयर कॉन्टिन्यूअसली ऊपर की तरफ भी जा रहा है, और इस महीने में भी देखिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म हो रहा है। अगर एमएसडी की बात करें तो देखिए एमएसडी 0 पॉइंट से ऊपर है बहुत दिन पहले से ही, मतलब 2020 से 0 पॉइंट से ऊपर है, और 2021 में कभी भी 0 पॉइंट से नीचे आया नहीं है। और अगर लास्ट 4-5 महीने से देखेंगे तो यहाँ पे भी पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता जा रहा है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी बहुत दिनों से आपका अबव 60 का लेवल मेंटेन करके चल रहा है, कभी भी आपका 60 का लेवल को तोड़ के नीचे आया नहीं। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक तो फंडामेंटली ऐसे बहुत ही अच्छा है, उसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में मुझे ऐसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जब करंट मार्केट प्राइस है लगभग 768-770 का पकड़ लीजिए, इसी रेंज में अगर इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 2 से 3 महीने का है, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर मुझे जो लगता है कि ये शेयर आपका 830 का जो लेवल है वो भी अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके कुछ भी टिप्स नहीं देता। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।